Good afternoon, students. I am Amit Kumar Sharma, your competency teacher. Okay, last class में हमने discuss किया था about interest. Interest कितने types का होता है, कितने उसके methods होते हैं. आज की class को start करने से पहले, before starting this class, I want to revise to last class. Last class में थोड़ा सा revise कर देता हूँ. सबसे पहले हमने types of interest पढ़ा, and there are two types of interest. Interest on capital and interest on drawings. There are totally three methods: general method, product method, and average time method. General method interest on capital के लिए, interest on drawing के लिए, दोनों के लिए use हो सकता है. Product method भी दोनों के लिए use हो सकता है, but average time method we can use only for drawings. हम उसको केवल ड्रॉइंग के लिए ही यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि कोई भी ऑनर है, उसकी जो नीड्स है, घर की जो नीड्स है, वो उसको रेगुलर रहेगी, इसलिए उसको रेगुलरली अपने जो पर्सनल एम्स है वो कंप्लीट करने होंगे. बट जो कैपिटल है वो कोई मंथली या रेगुलरली इंट्रोड्यूस नहीं करता. जब किसी को लगता है कि मेरे पास सफिशियंट अमाउंट है, पर्याप्त मात्रा में अमाउंट है, तो वो एक साथ ही कैपिटल लगाता है. हाँ, एडिशनल कैपिटल एक मैटर होता है, लेकिन उसको अगेन एंड अगेन एंड रेगुलर बेसिस पे कभी भी कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करता है. इसलिए एवरेज टाइम मेथड जनरली कैपिटल के लिए यूज नहीं होता है. बट एवरेज टाइम मेथड ड्राइंग के लिए होता है, क्योंकि ड्राइंग्स मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, डिपेंड ऑन ऑनर. ठीक है, फिर हमने एवरेज टाइम मेथड के लिए पढ़ा कि कब यूज होता है. तो हमने कहा था मैक्सिमम टू टाइम. मैक्सिमम टू टाइम हो तब क्या होगा, ड्राइंग हो या कैपिटल हो, मैक्सिमम टू टाइम हो जनरल मेथड यूज करेंगे. प्रोडक्ट मेथड में मोर देन टू टाइम हो बट अमाउंट एंड टाइम गैप आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, तो हम लोग प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे. बट टाइम एंड अमाउंट गैप आर, टाइम गैप एंड अमाउंट आर इक्वल, देन वी कैन यूज एवरेज टाइम मेथड. इस केस में हम लोग एवरेज टाइम मेथड यूज करते हैं. इज इट क्लियर? जनरल मेथड का फॉर्मूला हमने पढ़ा, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम अपॉन 12. अब मैंने कहा था 12 के साथ हम 52 भी यूज कर सकते हैं, हम 365 भी यूज कर सकते हैं. इट्स कंप्लीट ऑन क्वेश्चन. ये सब कंप्लीट पे डिपेंड करता है. कैसे क्वेश्चन पे कैसे डिपेंड करता है? मंथली कैलकुलेट करना है तो टाइम के नीचे बॉटम पे 12 यूज करेंगे, वीकली करना है 52 करेंगे, एंड डे बाय डे करना है तो 365 यूज करेंगे. प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला था टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100, और प्रोडक्ट के साथ अपॉन में हम लोगों ने लिखा 12, क्योंकि प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई टोल्ड यू अमाउंट इनटू टाइम. और हम जानते हैं कि बिना वेरिएबल अमाउंट के नीचे तो कुछ कभी यूज होता नहीं है, लेकिन टाइम के नीचे क्या यूज होता है? टाइम के नीचे 12, 52, 365 यूज होता है. तो अमाउंट और टाइम को जब इनटू किया तो प्रोडक्ट आया, बट अमाउंट के साथ कुछ नहीं था, टाइम के साथ नीचे कुछ था, वो कहां जाए, वो तो उसके साथ रहेगा. तो अमाउंट और टाइम के मिलके बन गया प्रोडक्ट, और टाइम के नीचे तो 12 था, 52 था, वो सेट में नीचे इसके रह जाएगा. अब हमने एवरेज टाइम मेथड की बात की थी, ये ओनली ड्राइंग्स पे यूज होता है. जब इक्वल हो टाइम गैप एंड अमाउंट इक्वल हो तो ड्राइंग यूज होता है, तब हम लोग एवरेज टाइम मेथड यूज करते हैं. फॉर्मूला हमने बात की थी कि एवरेज टाइम मेथड से अपना जो इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है. इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू टाइम. टाइम कौन सा? टाइम आएगा एवरेज टाइम, और इसमें ऑलवेज 12 यूज हो. इज इट क्लियर? टोटल टाइम के लिए मैंने कहा, ब्रेक ने कहा था कि ईयरली टोटल कितना अमाउंट आप विड्रॉल कर रहे हो फॉर द पर्सनल पर्पस, पूरे साल में पर्सनल यूज के लिए, खुद के उपयोग के लिए ऑनर कितना यूज कर रहा है, उससे हम ड्रॉइंग कहते हैं. रेट ऑलवेज गिवन होगी, बट एवरेज टाइम नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. एवरेज टाइम क्वेश्चन नहीं दिया जाता है. सो हाउ टू कैलकुलेट एवरेज टाइम, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट. किस तरह से एवरेज टाइम कैलकुलेट करेंगे आज हम इसका डिस्कस करेंगे. देयर आर टू पैटर्न टू कैलकुलेट आउट एवरेज टाइम, फर्स्ट ट्रिक एंड सेकंड फॉर्मूला.
बाय द ट्रिक भी हम लोग इस बात को पता लगाएंगे, इस बात को हम इंडिकेट करेंगे या कैलकुलेट करेंगे कि किस तरह से बाय द ट्रिक किस तरह से एवरेज टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर हम ये पता लगाएंगे बाय द फॉर्मूला किस तरह से हम लोग एवरेज टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ट्रिक की, ट्रिक से किस प्रकार हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे, किस मेथड से, एवरेज टाइम मेथड से किस तरह से। तो देखिए हमें, मैंने आपके सामने 3 कॉलम बनाए हैं, 1, 2 एंड 3। क्यों बनाए? तो सुनिए, एवरेज टाइम मेथड की मेन कंडीशन थी टाइम के इक्वल होना चाहिए, टाइम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब टाइम के इक्वल कैसे होगा, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। वी नो इन द ईयर हाउ मेनी टोटल मंथ, किसी भी कोई भी वैल्यू 12 को कंप्लीट डिवाइड करती है, कोई भी वैल्यू टाइम 12 को कंप्लीट डिवाइड करता है, इट मींस टाइम के इक्वल होगा। लाइक हम 12 को 1 से डिवाइड करें, कंप्लीट डिवाइड होगा, मींस 1 मींस क्या है, एवरी मंथ, हर महीने से निकालेगा। तो एक ईयर में, 1 ईयर में, एक साल में कितनी बार निकाला, 12 टाइम, डिस्टेंस गेन इक्वल होगा 1 मंथ फिर 1 मंथ फिर 1 मंथ, सब में जो गैप लगा वो कैसा लगा, वो इक्वल लगा। तो 1 मंथ से कितने टाइम निकालेंगे हम लोग, 12 टाइम ड्रॉ करेंगे, ओके। अब मैं चेंज करता हूं, क्या एवरी 2 टाइम से हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं, क्या इससे टाइम गैप इक्वल हो सकता है? यस, 2, 6, 4, 12, 2 को हम डिवाइड, 2 से हम डिवाइड करेंगे 12 को, तो कितनी बार देगा, 6 टाइम, मतलब 2-2 महीने से, हम हर महीने से नहीं निकाल रहे, हम 2-2 महीने से निकाल रहे हैं, 2-2 महीने से ड्रॉइंग कर रहे हैं, तो गैप कितना होगा, 2 मंथ फिर 2 मंथ फिर 2 मंथ फिर 2 मंथ, कितने टाइम निकालेगा वो, उस केस में वो 6 टाइम विड्रॉ करेगा, यहां भी इक्वल होगा। 3 से कर सकता हूं, 3, 4, 12 डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम, इट मींस वो क्वार्टरली ही विड्रॉ कर सकता है, 4 से कर सकते हैं, कर सकते हैं, 4, 3, 12, जब उससे करेंगे तो कितना आएगा, 3 टाइम हो जाएगा, 4, 4, 4 इक्वल है। कैन वी यूज 5? नो, 5 यूज हम नहीं कर सकते, क्या हम 5 का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, 5 से 12 डिवाइड नहीं होता, 5 से 12 डिवाइड नहीं होगा, इक्वल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 5 और 5 इक्वल है, पर उसके बाद 15 बन जाता है, 5 और 10, 10 प्लस 5 15 हो जाता है, और 12 से ऊपर चला गया इक्वल नहीं होता। क्या 6 यूज कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, कितना टाइम आएगा, 2 टाइम आएगा, बट आपको बात मैंने बताई थी फर्स्ट मेथड में, जनरल मेथड में, कि मैक्सिमम 2 टाइम हो तो कौन सा मेथड यूज करना अच्छा रहता है, सूटेबल होता है, एवरेज टाइम मेथड। अगर 2 टाइम ही वो विड्रॉल कर रहा है तो हम इतना बड़ा क्यों करेंगे, हम शॉर्टली काम करेंगे, हम कौन सा मेथड यूज कर लेंगे, एवरेज टाइम मेथड काम में लेंगे, इसलिए इसको हर महीने से निकालें तो 1, हर एवरी 2 मंथ से करें, 2 एवरी 3 मंथ से, 3 एवरी 4 मंथ से, इस केस में टाइम गैप इक्वल हो सकता है। अब ये जो कॉलम बनाने का रीजन है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब जो ओनर ऑफ द बिजनेस है, आई मीन पार्टनर है, वो कितने तरीके से ड्रॉइंग कर सकता है, सबसे पहले स्टार्टिंग में, कब कर सकता है, स्टार्टिंग में, एवरी मंथ के स्टार्टिंग में, एवरी मंथ का स्टार्ट कब होगा, फर्स्ट डेट को, लाइक 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, एवरी टाइम जब भी वो ड्राइंग करेगा फर्स्ट को करेगा, एवरी टाइम जब वो ड्राइंग करेगा वो कब को करेगा, फर्स्ट को करेगा, तो ये क्या हुआ आपका, स्टार्टिंग हो गया, क्लियर, ये क्या हो गया, स्टार्टिंग में हो गया, ठीक है। ये वो कैसे कर सकता है, एंडिंग में कर सकता है, विड्रॉल कब कर सकता है, ड्रॉइंग कब कर सकता है, एंडिंग में, एवरी मंथ के एंडिंग में, डेट कौन से 30 और 31, फेमे 28 और 29 भी हो सकती है, बट वो एंडिंग डेट है, उसको लगता है कि स्टार्टिंग में नहीं करेंगे हम, तो एंड में करेंगे, तो मंथ के एंड में करेगा, या 2 मंथ के एंड में करेगा, 3 मंथ के एंड में करेगा, 4 मंथ के एंड में करेगा, पर करेगा तो
स्टार्टिंग में नहीं एंड में, एक केस ये हो गया। एक ये है इक्वली पार्ट का जो हम डिसाइड करें कि ना मिड में ना एंड में, हम तो ड्राइंग कब करेंगे, हम ड्राइंग करेंगे मिड में। तो ओनली तीन केस बनते हैं इस मेथड में, जनरल मेथड में ऐसा नहीं था, प्रोडक्ट मेथड में ऐसा नहीं था, बट एवरेज टाइम मेथड में क्या था, हमें पता टाइम के इक्वल होना चाहिए तो उसके लिए टाइम भी देखना पड़ेगा। तो टाइम कैसे होगा, या तो स्टार्टिंग में या एंड में, अदरवाइज मिड में, तीन ही टाइप्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा टाइप्स नहीं होंगे। इज इट क्लियर? अब स्टार्टिंग में करेगा, मिड में करेगा, एंड में करेगा, तो किस तरह से एवरेज टाइम कैलकुलेट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 12 by 2 and 12 by 2 तीनों में सेम किया, डिफरेंट केस भी सेम तो नहीं हो सकता, बिना वेरिएबल डिफरेंट केसेस में सेम नहीं हो सकता, समथिंग चेंज। क्या चेंज है, अलग क्या है? लिसन प्रॉपर्ली, स्टार्टिंग में जब भी होगा आपको ऑलवेज प्लस यूज करना है, स्टार्टिंग में जब भी होगा आपको प्लस यूज करना है, स्टार्टिंग में ना हो, ड्रॉइंग है वो एंडिंग में हो, देन हमें माइनस यूज करना है। अगेन रिपीट, स्टार्टिंग में होगा तो ऑलवेज हमें प्लस यूज करना है, एंडिंग में होगा तो ऑलवेज हमें माइनस यूज करना है। क्लियर? मिड का भी एक्सप्लेन करेंगे। अब प्लस के साथ क्या यूज करना है, प्लस के साथ विद द प्लस क्या यूज करना है, एवरी मंथ से वो ड्रॉइंग करता है, क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा, एवरी मंथ से कर रहा है, एवरी टू मंथ से कर रहा है, एवरी थ्री मंथ से कर रहा है, एवरी फोर मंथ से कर रहा है, ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, तो वही हमें यहाँ पे मेंशन करना है। सपोज एवरी मंथ से है तो हम वन यूज करेंगे प्लस के साथ, स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ है देन हम प्लस के साथ वन यूज करेंगे, एवरी मंथ से नहीं है, एवरी टू मंथ से है देन हम वन यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे टू यूज कर सकते हैं। एवरी टू मंथ से भी वो ड्रॉइंग नहीं कर रहा है तो हम लोग कितना यूज करेंगे, थ्री मंथ से होगा थ्री यूज कर लेंगे, और एवरी फोर मंथ से करेगा तो हम क्या करेंगे, चार टाइप हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं हो सकता। यहाँ प्लस के साथ ये यूज किया तो यहाँ पे माइनस के साथ यूज करेंगे, वन इसमें कुछ नहीं करना, क्यों, मिड यानी बीच में, अब 12 का बीच का तो टाइम कौन सा होगा, 6 ना, हाफ ही तो करना है, मिड यानी हाफ, आधा का, आधा करने के लिए हम कोई प्लस माइनस कर ही नहीं सकते, किसी भी चीज को हाफ करने के लिए हम केवल 2 से डिवाइड करते हैं और कुछ भी नहीं करते, किसी भी चीज को हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, उसमें कोई एडलेस नहीं होता है। इज इट क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से हम क्या निकालेंगे एवरेज टाइम। तो यहाँ पे एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट होगा वो देखिए, फर्स्ट केस में जब एवरी मंथ होगा 12 + 1 13 होते हैं 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट केस में आपका एवरेज टाइम कितना आएगा, आपका एवरेज टाइम आएगा 6 मंथ्स, 12 + 2 कितना हुआ 7 14 का हाफ कितना हुआ 7 मंथ, 12 + 3 15 हाफ कितना हुआ 7.5, हाफ क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 12 + 4 16 हाफ कितना हुआ 8 मंथ्स, तो ये आएगा आपका एवरेज टाइम। स्टार्टिंग में करेंगे तब एवरी मंथ स्टार्टिंग करेंगे तो एवरेज टाइम इतना होगा, एवरी टू मंथ स्टार्टिंग में करेंगे एवरेज टाइम इतना होगा, एवरी थ्री मंथ स्टार्टिंग में करेंगे एवरेज टाइम इतना होगा, एवरी फोर मंथ स्टार्टिंग करेंगे तो एवरेज टाइम इतना होगा। सेम केस यहां पर भी है, यहां माइनस करके आपको कैलकुलेट करना है, 12 - 1 11 11 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 5.5 मंथ्स, 12 - 2 10 10 को 2 से डिवाइड किया 5 मंथ्स, 12 - 3 9 9 को 2 से डिवाइड किया 4 मंथ, 12 - 4 8 8 को 4 से डिवाइड किया 4। जब किसी भी पर्टिकुलर टाइम के एंड में ड्रॉ किया जाएगा, ड्रॉइंग किया जाएगा, तो ये आपका एवरेज टाइम निकल जाएगा। मिड में मैंने कहा आपको प्लस को माइनस करेंगे नहीं, इसलिए कोई भी केस हो मिड में जब करोगे तो ऑलवेज कितना आएगा 6 ही आएगा। इज इट क्लियर? अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, आना भी चाहिए, 12 कहां से आया, क्या ऑलवेज 12 ही यूज करना है? नो, एवरेज 12 यूज नहीं करना है, करना है जब वो उस कंप्लीट ईयर के लिए ड्राइंग कर रहा है, पूरे साल के लिए ड्राइंग कर रहा है, तब भी 12 यूज करेंगे,
और किसने रेगुलरली 8 मंथ किया फिर बंद कर दिया, तो रेगुलरली कितने टाइम के लिए कर रहा है वो, 8 मंथ के लिए, इन दिस केस वी कैन यूज ओनली 8, ठीक है। जैसे कोई पार्टनर 8 मंथ लेता फिर उसने रिजाइन कर दिया, रिटायरमेंट ले लिया, तो 8 मंथ तक ही तो करेगा, उसके बाद तो नहीं करेगा। और ऐसा भी सकता है कोई पार्टनर, न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है, नया आ रहा है, वो 3 महीने के बाद आ रहा है, तो स्टार्टिंग के 3 महीने में वो पार्टनर नहीं था ना, तो वो ड्रॉइंग कैसे करेगा, तो फिर वो ड्रॉइंग कितने टाइम के लिए करेगा, 3 महीने बाद से स्टार्ट करेगा, इट मींस 9 मंथ के लिए करेगा, उस केस में कितना यूज करेंगे आप, 9 यूज करेंगे। तो ये दो थी आपकी ट्रिक, ठीक है। आपके बुक में इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, सिर्फ टेबल बना के दे दिया है कि आपको लर्न करो ना, हमें लर्न नहीं करना, हमें समझना है हाउ टू मेक। ऐसे ही फॉर्मूला भी आपके बुक में आंसर नहीं है, बट वो भी हमें देखना है, क्योंकि सिलेबस में तो है, तो हमें सिलेबस को देखना है। अब बुक में आंसर है, जो नहीं है वो मैं बताऊंगा, करना सब कुछ है, इवन सिंगल थ्योरी पॉइंट हो, प्रैक्टिकल पॉइंट हो, किसी को भी नहीं छोड़ना, क्लियर। ये हो गया आपका एवरेज टाइम, किससे, ट्रिक से। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला क्या होगा, किस तरह से इसका फॉर्मूला बनाया जाएगा, वो हम उसको चेक करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर, कल से सबकी जूम पे लाइव क्लासेस होगी, 1:30 स्टार्ट होगी सभी के लिए, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, इसलिए सब अपने बुक के साथ इस टाइम को अपने लिए रिजर्व रखना ताकि हम स्टार्ट कर सकें। अब से कल से हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फॉर्मूला, ट्रिक के बाद हम बात करें कि एवरेज टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज टाइम का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए, टाइम इन फ्रॉम फर्स्ट प्रेस, क्या करना है, टाइम के फ्रॉम फर्स्ट प्रेस प्लस टाइम के फ्रॉम लास्ट, और इस पूरे के नीचे हमें कंप्लीटली इसके नीचे टू यूज करना है, एवरेज टू यूज करना पड़ेगा। अब टाइम के फ्रॉम फर्स्ट ब्रेक क्या है, टाइम के फ्रॉम लास्ट ब्रेक क्या है, ये आप समझिए। उस पर्टिकुलर ईयर में सबसे पहले उसने ड्रॉइंग कब किया था, वो है फर्स्ट डेट। अब सपोज 31st, सपोज एग्जांपल के लिए दिसंबर मान रहा हूं कि एंडिंग डेट ऑफ ईयर इज 31st दिसंबर, दिसंबर को ईयर एंड हो गया, ठीक है, और उसने फर्स्ट ड्रॉइंग कर लिया कब, फर्स्ट जेन को, तो फर्स्ट जेन से ही फर्स्ट डेट फर्स्ट ड्रॉइंग कब हुआ, फर्स्ट जेन। अब यहां से गेप, गेप चाहे वो स्टार्टिंग से करे, फर्स्ट ड्रॉइंग से करे या लास्ट से करे, यहां तक काउंट होगा। तो फर्स्ट टाइम यहां से किया ना, तो यहां से यहां तक कितना गैप हो गया, यहां पे आएगा कितना गैप हो गया, 12 हो गया, ठीक है। और लास्ट ड्रॉइंग कब हो रहा है, 31st दिसंबर, तो यहां क्या लिखा हुआ है, टाइम गैप फ्रॉम लास्ट ड्रॉइंग, तो लास्ट ड्रॉइंग 31st दिसंबर को हुआ, और लास्ट तो अपना ये एंडिंग डेट है वो भी दिसंबर ही है, तो 31st दिसंबर से 31st दिसंबर क्या रहेगा, 0 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 6, क्या सही है, क्या ये सही है, ये सही नहीं है, सोचिए क्या बात रहेगी इसके अंदर। तो मैं बताऊं क्या रहेगा, हमने बात की थी स्टार्टिंग में एवरेज टाइम में, तो स्टार्टिंग में निकाले, एंड में निकाले, मिड में निकाले, फर्स्ट ड्रॉइंग किस दिन हो रहा है, तो लास्ट ड्रॉइंग कब होगा, 31st को नहीं होगा, लास्ट ड्रॉइंग कब होगा, फर्स्ट दिसंबर को होगा, माइंड से बिल्कुल यूज करना आप लोगों को, फर्स्ट दिसंबर को होगा, कैसे देखिए, फर्स्ट जनवरी, फर्स्ट फेब, फर्स्ट मार्च, फर्स्ट फर्स्ट ही आएगा ना, लास्ट ड्रॉइंग भी कब होगा, फर्स्ट दिसंबर को ही होगा। अब यहां से लास्ट कितना है, फर्स्ट दिसंबर से 31st दिसंबर तक गैप कितना आता है, 1 आता है। ध्यान रखना, हर बात को नोटिस करो कि मैं बोल रहा हूं उसको माइंड में रखना आप लोगों को, इज इट क्लियर। तो लास्ट ड्रॉइंग कब होगा, फर्स्ट दिसंबर, तो इस तरह से कितना आएगा, 6.5। और हमने जब ट्रिक यूज की थी तभी एवरी मंथ के स्टार्टिंग में था, तब भी था, चेक करना
एवरी मंथ के एंड में होगा तब क्या होगा, एवरी मंथ के एंड में होगा तो फर्स्ट ड्रॉइंग किस दिन होगा, लास्ट ड्रॉइंग इस दिन होगा। तो फर्स्ट ड्रॉइंग किस दिन हुआ, 31 दिसंबर तक कितने मंथ होंगे, 11। फॉर्मूला जो है मॉडल प्लस यूज करते हैं या माइनस का कोई मैटर नहीं है। अब लास्ट ड्रॉइंग होगा दिसंबर, एंटीनेट भी दिसंबर तो यहाँ आएगा जीरो और टू आ जाएगा यहाँ पर, तो उस केस में कितना आएगा 5.25 आ जाएगा। इज इट क्लियर, इस तरह से हमें फॉर्मूला यूज करना है। आई थिंक सब कुछ आपके इजीली समझ में आ गया होगा, एनी प्रॉब्लम। अब करना क्या है, जैसे मैंने कहा कल हम लेवल प्लस कट करेंगे और जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, एग्जांपल्स है, वो हम सॉल्व करेंगे जो रिलेटेड किससे हैं, इंटरेस्ट हम उस टॉपिक के ऊपर सर्वेक्षण करेंगे। हो सकता है कि वो अपने सिक्वेंस में ना हो, पर हमने जो प्रैक्टिकल जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं उसे सिक्वेंस में करेंगे, करेंगे सारे ही, लेकिन उसी सिक्वेंस में हम लोग सर्वेक्षण करेंगे। इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम? आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ओके, थैंक यू। तो कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी।